लखनऊ में देश प्रदेश की तरक्की और अमन चैन की दुआओं के साथ ऐशबाग ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर राज्यपाल राम नाईक, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व सीएम अखिलेश यादव, महापौर संयुक्ता भाटिया, ऐशबाग ईदगाह कमेटी के इमाम मौलाना खालिद रशीद, फरंगी महली ने गिले शिकवे भूलकर गले मिलने और मुंह मीठा करने का संदेश दिया। राज्यपाल राम नाईक ने मोहम्मद पैगाम साहब के संदेश की याद दिलाते हुए कहा कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, खास तौर से उस वक्त जब वो भूखा हो, भले व्यक्ति दूसरे मजहब का हो। नाईक ने इसके साथ कहा कि संयोग से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। ऐशबाग ईदगाह से उन्होंने सभी से पर्यावरण बचाने के लिए आगे आने की भी अपील की। साथ ही पर्यावरण कहा कि बेहतर होगा तो आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेंगी। राज्यपाल राम नाईक ने एकता का संदेश दिया ईद के पर्व को लेकर। साथ ही अखिलेश यादव ने भी सभी देशवासियों को ईद की बधाई दी है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी ईद के मौके पर सभी को बधाई दी है। गिले शिकवे भूलकर सभी को एक साथ त्यौहार को मनाना चाहिए और सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये भी संदेश दिया।